ये कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन पढ़ रहे थे ना। यस सर। यस सर। अभी भी देखो कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। समय बताया गया 7:05, तो स्टूडेंट्स को 7 बजे से रेडी रहना चाहिए। यहाँ उल्टा होता है, टीचर 6:45 से ही रेडी रहते हैं और स्टूडेंट्स 7 बजे सो के उठते हैं। अभी भी कम से कम 10 लोग हैं जो अपना रीनेम सही से नहीं किए हैं। शिवम कुमार एट जी बार बार रिमूव क्यों हो रहा है जी? चलो हम लोग आगे का स्टार्ट करते, उसमें कुछ बच गया था। नैतिक राज, तो आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हो, इसका वीडियो भी दिखा देंगे, एक वीडियो भी शेयर करेंगे। इसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब लिया गया है जो क्लोज्ड है, या लेबोरेटरी में अगर जब जाएंगे 9 या 10 में तो आप देखोगे टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें कॉर्क लगता है इसको सील करने के लिए। और उस कॉर्क में ये क्या है, ये जो पाइप दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? आवाज आ रही है जी? बॉइलिंग सर, बॉइलिंग ट्यूब ये हो गया, ये जो ग्लास वाला ट्यूब दिख रहा है ना, ये हो गया बॉइलिंग ट्यूब। यस सर। हम पूछ रहे हैं ये जो सी है, सी इसको क्या बोलते हैं? नहीं मालूम है, हम बता देते हैं, इसको बोलते हैं डिलीवरी पाइप। ठीक है, ये पाइप है, कनेक्टर है, मतलब यहाँ से जो चीज निकलेगा वो इसमें जाएगा इस पाइप के हेल्प से। तो एक पाइप इसमें से निकल के इसमें लगा है, एक दूसरा बॉइलिंग ट्यूब है या टेस्ट ट्यूब बोलो उसको, उसमें एक और दूसरा पाइप भी लगा हुआ है। अब आप देखो कि जब बर्नर से हीट करते हैं तो कल भी बताए थे कि 3 सब्सटेंस बनते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। जो सॉलिड बनेगा उसका नाम क्या है कोक, और जो लिक्विड बनेगा उसको बोलते हैं कोल टार, और जो गैस बनेगा उसको बोलते हैं कोल टार। कोल गैस। कोल टार जो है वो नीचे ब्राउन कलर का, ब्लैकिश ब्राउन कलर का या ब्राउनिश ब्लैक कह सकते हो, एक लिक्विड बनेगा गाढ़ा, विस्कस मतलब गाढ़ा। अलकतरा जानते हो ना, जो रोड बनाने में काम आता है, लिक्विड बन जाएगा। और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट क्लियर लिक्विड भी मिलेगा जिसको बोलते हैं अमोनियाकल लिक्विड। तो वो डिस्ट्रक्टिव और डिस्टिलेशन का कोल का यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है, उसमें अमोनिया गैस मिक्स होता है। अमोनिया गैस का फॉर्मूला किसी को मालूम है? यस सर। क्या होता है सर? NH3 नॉट NH4। NH4 अमोनियम आयन हो जाता है, NH3 इज अमोनिया गैस। सर NH3, हाँ याद रहेगा ना? यस सर। N फॉर नाइट्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, तो एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलके बन जाएगा आपका अमोनिया गैस। ठीक है, तो आपको अमोनिया लिक्विड बन गया, यानी कि अमोनिया मिक्स्ड लिक्विड जिसको अमोनिया लिक्विड बोलेंगे। और उसके ऊपर में आप देखो एक गैस निकल रहा है जिसको बोलते हैं कोल गैस। कोल गैस, तो कोल टार मिल गया, कोल गैस मिल गया, कोक कहाँ मिलेगा? तो ये जो कोल आपने लिया, इस पाउडर कोल जो लिया इस टेस्ट ट्यूब में, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में या बॉइलिंग ट्यूब में, उसमें जो रेजिड्यू बच जाएगा, यानी कि जलाने के बाद जो अवशेष बच जाएगा, उसी को बोलते हैं कोक। अब वो कोक जो है आपका जो नॉर्मल कोल है उससे बेटर फ्यूल माना जाता है। क्यों बेटर फ्यूल माना जाता है, कोई बता सकता है? बना कुछ कोल से ही, लेकिन कोक बेटर फ्यूल क्यों होगा? उसमें का सारा इंप्योरिटी निकल गया। यस वेरी गुड। उसमें के जितने भी
वोलेटाइल और इनवोलेटाइल जो इम्प्यूरिटीज थे वो सारे निकल गए, तो क्या बच गया? 100% कोल, कार्बन। 100% कार्बन रहेगा तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए उसकी क्लोरोफिल वैल्यू बढ़ जाएगी। सोनक साउंड आ रहा है? यस सर। माइक म्यूट। चलो तो यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। तो हम लोग का अब इसमें ये जो तीन प्रोडक्ट बने उनके यूज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कोक, किसी और के माइक से आवाज आ रही है? anyway. तो फर्स्ट कोक का यूज, इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल मतलब जो फ्यूल हम लोग घर पे खाना पकाने के लिए अपना यूज करते हैं उसमें, और इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी यूज करते हैं। इंडस्ट्री में फ्यूल का क्या यूज है कोक का? जैसे बॉयलर होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बॉयलर होते हैं जहाँ पे पानी को गर्म किया जाता है, या कोई भी चीज को गर्म करना है, जहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना है। बहुत सारे फैक्ट्री में, मान लो शुगर का फैक्ट्री है तो उसमें शुगर केन का जो जूस है उसको हीट करना होगा, उसके लिए फ्यूल चाहिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में आपको वो फ्यूल यूज होगा, और घर पे तो यूज होगा ही होगा। नेक्स्ट है, इट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आप 8th क्लास में ही लेसन जो 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक्चुअली मैं सेकेंड टर्म में पढ़ना है, तो उसमें जो आप पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कोक का यूज, कोक यानी कार्बन। कोक का अगर कोई केमिकल फॉर्मूला लिखने को बोलेगा तो क्या लिखेंगे? जस्ट सी। सी मीन्स कार्बन, और कोक इज द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कोक का आपका जो सिंबल होगा वो सी होगा। तो कार्बन को कैसे यूज करेंगे हम लोग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब हुआ कि मेटल को जमीन से डिगिंग करके, खुदाई करके निकालेंगे और उसको प्योरीफाई करके मार्केट में लाने से पहले जो जो प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस में से एक प्रोसेस होता है रिडक्शन ऑफ ओर, उसमें यूज होता है कोक का। नेक्स्ट है, इट इज यूज टू मेक फ्यूल गैसेज लाइक वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। अब इसमें देखो, आप इसको याद रखोगे, दोनों का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। वाटर गैस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड ये आपके बुक में नहीं दिया है, DAB के बुक में। प्रोड्यूसर गैस ये मिक्सर होता है CO प्लस N2 का, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तो वही रहेगा, नाइट्रोजन आ जाएगा हाइड्रोजन के जगह पे। तो ये दोनों गैस बनाने में पहले कोक से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके वाटर गैस, या नाइट्रोजन के साथ मिक्स करके प्रोड्यूसर गैस बनाया जाता है। तो ये सारे यूज हो गए कोक के, कहाँ कहाँ यूज होगा ये सब याद रखना, एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये सब। उसके बाद है कोल टार, ठीक है। कोल टार तो हम लोग यहाँ पढ़े कि विस्कस ब्राउनिश ब्लैक लिक्विड होता है, तो इसका क्या क्या यूज है? सिंथेटिक डाइज। डाइज क्या होता है जी? DYES सर, डाई मतलब सर जो लकड़ी का कुछ होता है। रंग, सर, कलर, कलर। हाँ, कलर, वेरी गुड। कपड़े को रंगने के लिए जो कुछ टेम्पररी डाइज या परमानेंट डाइज, जो बालों को रंगने के लिए आजकल बहुत सारे डाइज आते हैं, तो वो सारे डाइज हो गए। तो चूंकि वो मैनमेड है तो इसलिए वो सिंथेटिक डाइज कहलाते हैं, और अगर वो प्लांट के प्रोडक्ट होंगे, प्लांट से ऑब्टेन किए जाएंगे, तो वो नेचुरल डाइज कहलाएंगे। उसके बाद है ड्रग्स। ड्रग्स मतलब यहाँ पे लाइफ सेविंग मेडिसिन का ये है, और ड्रग्स मतलब नशीली दवाएं नहीं। उसके बाद एक्सप्लोसिव, यानी कि विस्फोटक बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, कुछ ऐसे चीज है जो आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कोल्टार्स बनेगा। परफ्यूम बनाने में, प्लास्टर बनाने में, प्लास्टर भी किया जाता है कोल्टार से? नहीं, प्लास्टर ये जो प्लास्टर समझ रहे हो वो वाला नहीं। जैसे एस्बेस्टस के जो छत होते हैं ना, बहुत सारे लोग एस्बेस्टस लगाते हैं, जैसे yes, कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर yes, बनाना है, तो उसको सील करने के लिए, यानी yes. जो दो एस्बेस्टस का सीट होगा उसके बीच में गैप होगा, उसको पैक करने के लिए yes, वो प्लास्टर के रूप में यूज किया जाता है। देन पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट दिखता है ना, रील जिसको बोलते हैं, या जिसपे आप निगेटिव जिसको बोलते हैं, निगेटिव जिसके मटेरियल बनता है, तो प्लास्टिक और कोल्टार का कॉम्बिनेशन से बनता है। इसके अलावा रूफिंग मटेरियल्स,
बहुत सारे एरिया में देखोगे कि छत को ठंडा रखने के लिए उसके ऊपर कोल्टर का लेयर चढ़ाया जाता है। तो ये सारे यूज है कोल्टर के। और उसके बाद आता है कोल गैस। तो कोल गैस का दो ही यूज है, एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एंड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही क्लीन फ्यूल होता है, मतलब पोल्यूशन बहुत कम करेगा ये। क्लियर है यहाँ तक? कल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग का 5-10 मिनट रोज बर्बाद होता है। अब ये होमवर्क है डे टू का, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये बना के भेजना होगा आज इस सप्ताह के अंदर। ओके सर। ऐसे हम पीडीएफ भी भेजेंगे, लेकिन सब लोग स्क्रीनशॉट लेके ये वाला पेज, हाँ ये वाला लिखा हुआ ना, एंड ऑफ डे टू होमवर्क। हो गया सबका स्क्रीनशॉट? Yes, sir. इसमें क्वेश्चन जो है ये सब आपको पढ़ाया हुआ चीज है इसी पीडीएफ में। नेम द प्लेसेस वेयर कोल माइंस आर लोकेटेड इन इंडिया, हाउ इज कोक ऑब्टेंड फ्रॉम कोल, स्टेट 3 इंपोर्टेड यूज ऑफ कोक, व्हाट आर द डिसएडवांटेज टू यूज वुड एज ए फ्यूल, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्क्राइब द एक्टिविटी विद लेबल्ड डायग्राम, वो डायग्राम भी आपको मिल जाएगा। राइट यूज ऑफ कोल टार एंड कोल गैस, what are the major types of coal, write their characteristics, explain how coals are formed, what is soil erosion and how it takes place. तो ये सारे क्वेश्चन यही जो डे टू का हम लोग टॉपिक पढ़े उसी से रिलेटेड है। अब कुछ वीडियो हम आपको दिखाते हैं। सर सब इनसाइड है? हाँ साइड क्वेश्चन है सर, इनसाइड। हाँ सारा इनसाइड है, मेरा खुद का बनाया हुआ है। Okay, एक वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को, रिलेटेड है आपको। सबसे पहले तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का दिखाते हैं, कैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। ये एक एक्टिविटी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है, कैसे होता है। अब ये आपको एनिमेटेड एक डायग्राम है, इसमें क्या बताया कि जो डायग्राम ये जो पिक्चर है इसको इस तरह से अरेंज कर लेना है। शुरू से थोड़ा सा दिखाते हैं, जैसे ये टेस्ट ट्यूब हो गया, इसमें आपको कोल दिख रहा है ना छोटे छोटे टुकड़े, ये ऊपर में आपको क्लोज्ड है, यहाँ पे दिख रहा है कॉर्क, एक छोटा सा ग्लास ट्यूब लगा हुआ है जिसको डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं। अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें नीचे एक ये जो टेस्ट ट्यूब एक स्टैंड से कसा हुआ है, एक दूसरा टेस्ट ट्यूब भी है जिसमें भी कॉर्क लगा हुआ है, इसमें दो ट्यूब लगे हुए हैं। दो ट्यूब बताए थे ना जो डायग्राम में, एक जो आएगा और एक जो जाएगा, जिसमें से जाएगा आपका कोल गैस निकलेगा। और इसमें देखो पहले से क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, पानी, ठीक है। और ये है आपका बर्नर, अब ये हीट हो रहा है, अब ये पेपर देखो क्रिएट हो रहा है, अब ये पेपर नीचे आया, तो आपको ये पानी से ठंडा होगा और ठंडा होकर नीचे में एक लिक्विड कलेक्ट होगा, इसमें कोल के कुछ पार्टिकल्स भी आ रहे हैं जिसके चलते वो ब्राउनिश आपको कोल टार बन गया, दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे दो लेयर बन गया, एक हो गया आपको ब्राउनिश ब्लैक जो कोल्टर हो गया, और ऊपर में एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिख रहा है ना ये वाटर का, ये हो गया अमोनिया का लिक्विड, ठीक है।
अब इसमें अमोनिया गैस ये भी बता रहा है कि डिजोल्व रहता है, और इसमें से देखो क्या निकल रहा है, ये आपको कोल गैस निकल रहा है। कोक, अब इसमें जो मटेरियल बच गया है दैट इज कॉल्ड कोक। क्या बोला है, कितना परसेंट कार्बन होता है कोक में? वीडियो का साउंड सुने अभी सर, आवाज वीडियो का सही से नहीं आ रहा है, थोड़ा साउंड तो ये जाए ट्रांसफर होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 60% कोक में आपको 60% कार्बन होता है, जो आपको सबसे बढ़िया कोल होता है एंथ्रासाइट, उसमें भी 60% कार्बन नहीं होता है, लेकिन कोक में आपको 60% कार्बन होता है और साथ में कोई इम्प्यूरिटीज नहीं होता है। अब इसमें देखो वेपर है, ये सब निकल जाए, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और ये हाइड्रोजन, ये मिल करके वाटर गैस बन गया। अब देखो इसमें क्या बताया कि कोल गैस जो है वो मिक्सचर है किस किस चीज का, यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग इसको नोट भी कर लोगे। कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ CH4। CH4 का क्या नाम होता है जी, कोई बता सकता है? कार्बन हाइड्रेट, मीथेन, मीथेन गैस कहते हैं इसको। उसके बाद H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोल गैस जो है इन तीनों चीजों का मिक्सचर होता है, इसको आप लोग नोट कर लोगे किसी बुक में, इधर 8th क्लास में किसी बुक में तो नहीं मिलेगा। चलो आगे देखते हैं वीडियो को। कोल गैस के बारे में बताया जा रहा है, इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में होता है, और ये अब बताया जा रहा है अमोनिया का लिक्वर का, ये डाइज बन रहा है कोल टाइप इंसेक्टिसाइड्स। क्लियर हुआ? कुछ ज्यादा इससे समझ में आया? यस यस सर, वेरी गुड। और एक वीडियो दिखाते हैं आप, बोलो। कोक में कार्बन, हाँ कोक में कार्बन का परसेंट, कोक में कार्बन 60% होता है। हाँ 60% होता है सर। और क्या होता है? 40% 40% वाटर वेपर होगा, वो वाटर वेपर जैसे उसमें दिखा रहा था, जो वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? हाइड्रोजन। हाँ नहीं, वाटर वेपर का फॉर्मूला होता है H2O, वाटर का वेपर है ना, तो जो वाटर का फॉर्मूला होगा वही वाटर वेपर का भी होगा। उसमें जो आपको वाटर वेपर है वो आपको जैसे ही थोड़ा सा हीट मिलता है तो जो C + H2O है, जैसे हम बता रहे तुम लोग को स्क्रीन पे, ब्लैंक स्क्रीन बता देते हैं। कोक में क्या होता है? कार्बन, ठीक है ना, और साथ में क्या है? वाटर वेपर यानी H2O। अब इस पे थोड़ा सा हीट जब देते हैं तो ये जो C + H2O है ये बदल जाता है CO, यहाँ पे इक्वल टू ना होगा, CO + H2। अब ये क्या बन गया, ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया? This mixture is known as sir methane plus methane कहाँ है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। ये जो मिक्सचर हुआ इसको बोलते हैं वाटर गैस। ये वाटर गैस अब बन गया, यानी कि कार्बन और वाटर वेपर के मिक्स होने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना, जो कि हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन में काम आता है। समझ में आए बात?
अच्छा उसमें, हाँ बोलो सर। आज मेरा पहला दिन था केमिस्ट्री का, तो सर आप इसके पहले जो भी चैप्टर पढ़ा है वो तो नहीं पढ़ पाए हैं। नहीं पढ़ पाए तो उसका वीडियो डाले हैं, आज भी हम वीडियो डालेंगे उसका लिंक। उस लिंक पे जाओगी तो डेट वाइज वीडियो डाला हुआ है, 2 दिन और इसके पहले क्लास चला है 2 या 3 दिन, तो वो तीनों वीडियो मिलेगा। पहला ही चैप्टर अभी चल रहा है, अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो वीडियो देख लो और देखने के बाद जो भी कंफ्यूजन होगा तो मेरा नंबर ग्रुप में होगा ही, कॉल करना मैसेज करना मेरे नंबर पे, हम आपको जो भी हेल्प होगा वो कर देंगे, ठीक है? Yes, अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, कोल का जो फॉर्मेशन होता है उसका। अलग अलग टाइप के कोल कैसे बन रहे हैं। आ रहा है? नहीं आ रहा, अभी तैयार ही नहीं हुआ है, एक सेकंड कर रहे हैं। अब आ रहा है ना? एक सेकंड, ये वाला। These plants died in form around river banks and got covered with soil and mud. हाँ उसको बंद किए हैं, दूसरा वीडियो। चलो ये देखो, अब इसमें एक टर्म आपको यूज हुआ, कार्बोनाइजेशन, ठीक है? ये टर्म आपके बुक में भी मिलेगा। कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन। अब ये कार्बोनाइजेशन क्या होता है इसमें आगे बताया गया है। साउंड आ रहा है कि नहीं? नो सर, साउंड है ही नहीं वीडियो। अब हम पॉज करके बताते जाएंगे। लिखा है मिलियन ईयर्स एगो, यानी लाखों साल पहले, अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, ये बार बार इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज कॉल्ड स्वैम्प। स्वैम्प यानी दलदली जमीन, जहां पे आपको बहुत सारे पेड़ पौधे थे पहले लाखों साल में। अब वो क्या होगा कि कटाव के चलते, मिट्टी के कटाव के चलते फ्लड हुआ, वो पेड़ जो है वो गिर गए और जमीन के अंदर दबते जा रहे हैं। आप देखो ये स्लोप से गिर रहा है और ये जमीन के अंदर दब रहा है। अब चूंकि ये लिविंग क्रिएचर्स है, प्लांट्स क्या है, लिविंग क्रिएचर्स हैं, तो उनसे प्राप्त हो रहा है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया और वो डिकम्पोज होके बन गया पीट, यानी कि सबसे पहला टाइप ऑफ कोल बना आपका। अब उसके ऊपर समय के साथ सॉयल, सैंड, कंकड़ पत्थर सब इकट्ठा होते गए, तो और हार्ड हो गया थोड़ा और नेक्स्ट टाइप का कोल बना जिसको बोलते हैं लिग्नाइट, ठीक है? अब देखो और दबते जा रहा है, लिग्नाइट थोड़ा और हार्ड हो गया ना पहले से और कंप्रेस्ड हो गया और सेडिमेंट कलेक्ट हो रहे हैं हीट और प्रेशर के इफेक्ट के चलते, और फिर वो कोल जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से लिग्नाइट जो है वो पूरे हार्ड कोल में, जिसको विटामिन्स बोलते हैं या एंथ्रासाइट बोलते हैं, उसमें बदल गया। तो एक ऐसा स्लो प्रोसेस जो डेड वेजिटेशन यानी डेड प्लांट्स को कोल में बदले, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है? क्या लिखेंगे डिफिनेशन कार्बोनाइजेशन का?
बताओ, आवाज आ रही है जी? कन्वर्शन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल इनटू कोयल। आपको देखो स्क्रीन पे दिख भी रहा है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन, या डेड वेजिटेशन के डेड प्लांट्स एंड ट्रीज लिख सकते हैं, इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक है, अब ये कार्बोनाइजेशन से, चूंकि ये फॉसिल से बन रहा है, फॉसिल बताए थे हम पहले भी, तो फॉसिल से बन रहा है इसलिए कोल को एक फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। और इसको निकाला जाता है जमीन की खुदाई करके, क्योंकि ये बताए थे पहले भी कि वो जमीन के अंदर चूंकि हजारों फीट नीचे वो मिलेगा, इसलिए उसकी खुदाई करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग के पास 7 मिनट्स टाइम और है, और कोई वीडियो देखना चाहते हो? या आगे बढ़ा जाए? हाँ, आगे चला जाए। Yes, sir. तो हम लोग का ये हो गया, कोल तक हो गया। अब आते हैं आगे, जब जाएंगे तो आगे मिलेगा आपको पेट्रोलियम, यानी वुड हो गया आपका एक फ्यूल, दूसरा फ्यूल हो गया कोल, अब तीसरा फ्यूल आ रहा है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक सिंगल फ्यूल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे फ्यूल्स का मिक्सचर है। उसमें आपको पेट्रोल होगा, डीजल होगा, केरोसिन होगा, मोबिल होगा, ग्रीस होगा, बहुत सारे चीज होते हैं उसमें। तो जमीन के अंदर से वो निकलेगा सिर्फ पेट्रोलियम, बाद में उसको हम लोग रिफाइनरीज में ले जाते हैं और रिफाइन करके उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। पेट्रोलियम जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब ऑयल, यानी कि जो ऑयल रॉक से ऑब्टेंड किया जाए उसको पेट्रोलियम बोलेंगे। तो रॉक को ऑब्टेंड करने का ये मतलब नहीं है कि चट्टान पत्थर को क्रशर में डाल के, मिक्सर में डाल के उसको क्रश कर दिए तो उसमें से तेल निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सबके बनने का प्रोसेस एक ही है, जमीन के अंदर डेड रिमेन्स दबते जाएंगे और उन्हीं से वो बनेगा। लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि जो बड़े रिमेन्स हैं, पेड़ पौधे जैसे हैं बड़े बड़े, वो जब जमीन के अंदर दबते हैं तो वो कोल में कन्वर्ट होते हैं, और जो छोटे छोटे जैसे उनके पत्ते हो गए, जानवरों के छोटे छोटे रिमेन्स हो गए, वो जब नीचे जमीन के अंदर और कोल के भी नीचे वो चले जाएंगे तो वो जो है वो जमीन के हीट से वो लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट होंगे, और उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। ठीक है, दोनों में अंतर यही है कि वो बिगर रिमेन से बनते हैं और ये वेरी स्मॉलर रिमेन से बनते हैं। अच्छा, जमीन के अंदर इम्परवियस रॉक्स के बहुत सारे लेयर होते हैं, उन दो लेयर के बीच में वो ट्रैप्ड रहते हैं। इनका जो अक्रेंस है, यानी कि कहाँ पाए जाएंगे, तो जमीन के अंदर 500 मीटर से लेकर के 2000 मीटर के डेप्थ में के बीच में दो लेयर, इम्परवियस रॉक्स के दो लेयर के बीच में वो डिपोजिट होते हैं, और अर्थ के अंदर जो हीट है उससे वो लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके साथ वो सॉल्ट वाटर मिक्स होता है, लेकिन चूंकि वो सॉल्ट वाटर से हल्का होता है इसलिए सॉल्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करे, जैसे आप तेल को डालोगे पानी में ना तो तेल ऊपर फ्लोट करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, हल्का होगा। और उसके ऊपर, यानी कि सबसे नीचे आपको सॉल्ट वाटर हो गया, उसके ऊपर पेट्रोलियम हो गया, और उसके ऊपर आपको नेचुरल गैस, ये तीनों एक साथ मिलते हैं। अब उसमें से हम लोग को जो चाहिए वो है, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, नीचे वाटर, उसके ऊपर पेट्रोलियम का लेयर और उसके ऊपर नेचुरल गैस, और ये दो इम्परवियस रॉक्स के बीच में ये सब कुछ है। देखो इसको थोड़ा दिखा रहे हैं, ये एक पहला इम्परवियस रॉक है, एक दूसरा इम्परवियस रॉक है। अब इसके ऊपर में, इसके बीच में एक पहला वाटर का लेयर हो गया, फिर उसके ऊपर पेट्रोलियम का लेयर हो गया, और उसके ऊपर नेचुरल गैस का लेयर हो गया। अब इसको निकालेंगे कैसे, जमीन के अंदर वो
हजारों फीट की गहराई पे है, इसको कैसे निकालेंगे, हजारों मीटर की गहराई पे है उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, टेंडर पास होगा जिसका, वो अपना एपरेटस लगाएगी। पहले तो वो ASI वाले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले, वो सब जगह पता करते चलते हैं कि कहाँ पे जमीन के अंदर तेल का भंडार है, तेल का कुआं है। अब वहां पे अगर पता चल गया कि हाँ इस जमीन के ऊपर, मान लो कि आपकी जमीन है उसके ऊपर तेल का कुआं है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए किसी कंपनी को। अब वहां पे वो अपना ड्रिलिंग रिग लगाएगा, उसमें कंसेंट्रिक पाइप, कंसेंट्रिक वर्ड सुने हो लोग इसके पहले, मैथमेटिक्स का वर्ड है। ऐसे बहुत सारे सर्किल जिनका सेंटर एक ही हो, तो पाइप जो होते हैं, जो लोहे के जो पाइप होते हैं पानी निकालने वाले या तेल निकालने वाले, वो उनका जो शेप होगा वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, नीचे से सिलेंड्रिकल होता है, तो सिलेंड्रिकल का जो फेस होगा वो सर्कुलर होगा। तो कोई पाइप का डायमीटर 1/2 inch है, किसी का 1/4 inch है, किसी का 1 inch है, किसी का 2.5 inch है, किसी का इस तरह से 4 inch बढ़ते जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पाइप्स का सेट, मोटे और पतले पाइप्स का सेट, जिनका सबका सेंटर एक ही हो, ऐसे पाइप्स के सेट को लगाते हैं, कंसेंट्रिक पाइप के सेट बोलते हैं उसको। और वो जो पाइप को अंदर डाला जाएगा तो उसमें जो पाइप्स होते हैं वो अल्टरनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा पाइप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर तीसरा क्लॉकवाइज घूमेगा, चौथा जो है फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और ऊपर में एक पावरफुल पंप होगा। वो पंप के हेल्प से वो जो घूम रहे हैं उनका काम है जमीन के अंदर होल करना, और जब होल हो गया तो वो पंप के यूज से वो आपको तेल जो है ऊपर आया। तो जब ऊपर आया तो ब्राउनिश ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है गाढ़ा, बहुत गंदा स्मेल होगा उसमें, वो किसी काम का नहीं है। क्रूड ऑयल बोला जाता है ना? क्रूड ऑयल बोला जाता है। अब वो उस फॉर्म में, यानी कि जिस फॉर्म में वो जमीन के अंदर से निकाला गया, उस फॉर्म में किसी काम का नहीं है। तो वहां से निकालने के बाद उसको पाइपलाइंस के थ्रू या कंटेनर के थ्रू रिफाइनरीज में भेजा जाएगा। जैसे आपको हमारे बरौनी में पहले रिफाइनरी था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, गुजरात में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं, मुंबई में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं, तो उन रिफाइनरीज में भेजा जाएगा जहाँ पे पेट्रोलियम के अंदर से जितने यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उन सबको निकाला जाएगा। और उस निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम आर ऑब्टेंड बाय हीटिंग इट इन ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, कोई आदिल हुसैन है बार बार ज्वाइन कर रहा है और बार बार इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको ज्वाइन करने का मन। तो उसको आप रिफाइनिंग करके, इसका डायग्राम नहीं दिया है बुक में, ऐसे हम